मैच का तस्करा करते हैं। रमेश भाई देखिए जी, ये ऐसा लग रहा था कि बोलिंग मशीन लगी हुई है और आप चौके छक्कों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने तो इतना भी नहीं समझा सही कि हसनैन और नसीम शाह को खिलाते हैं, क्योंकि वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी बॉलर्स का कोई लेना देना नहीं, फायदा कोई नहीं होगा। यहाँ पे ग्रेटनेस बैटिंग में भी जज करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ऐसा ही है जैसे कि एक स्पिनिंग ट्रैक के ऊपर एक नॉन बॉलर जब विकेट ले जाता है तो आप उसको बता नहीं सकते उसकी क्वालिटी क्या है। इसी तरह से इन पिचेस पे आपको रियल बैटिंग टैलेंट जो है ना उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क रहेगा। बट हैविंग सेड दैट, हमने देखा है रिकॉर्ड साज परफॉर्मेंस, फिर से फास्टेस्ट पीएसएल की सेंचुरी एक बच्चे ने लगाई है, तो टेम्परमेंटली बड़ा स्ट्रांग उस्मान, हाँ उस्मान खान व्हाट अ टैलेंट सर, वेल बिल्कुल लेट्स गिव हिम ऐसा टैलेंट, बैटिंग टैलेंट हो चाहिए। इतने बड़े स्टेज के ऊपर आके डेब्यू के ऊपर बहुत बड़ी इनिंग्स वो खेल गया, और अगर 260 करके आप बाल बाल बच गए हैं तो सोचें कि इस वक्त बॉलर्स के साथ क्या बीत रही है। ग्रेट गेम, ग्रेट गेम। क्वेटा ग्लैडिएटर्स बाहर हो गए रेस से, उनको वापस ड्राइंग बोर्ड पे जाना है और नए तर्ज अंदाज से अपनी क्रिकेट को लेके वापस आने नेक्स्ट सीजन के लिए। जितना उनका स्टाफ है शायद उसको उनको स्क्रैच से स्टार्ट करना होगा, बिल्कुल फारिग करना पड़ेगा, नए बंदों को लेके आएंगे, सिलेक्शन सबको देखना, एवरीथिंग। अच्छा सकी भाई से मैं एक सवाल कर लेता हूँ, सकी भाई मुझे ये बताइएगा कि एक दहशत की अलामत थे आज ये बुत भी जो है ये कुफर टूटा खुदा खुदा करके, जैसे कि रमीज भाई ने बताया कि बॉलर्स के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, एक एवरेज बॉलर विकेट ले जाता है और एक बेहतरीन बॉलर जो कि अभी तक पीएसएल 8 के सबसे अच्छे या उनमें से एक दो में से बहुत ही अच्छे एहसानुल्लाह साबित हो रहे थे, आज उनका भी दिन नहीं चला जी। तो किसी कभी कभी Every day is not Friday. Yeah. हाँ, लेकिन ये बॉलर्स के लिए क्या है, क्योंकि बीइंग अ बेहतरीन बॉलर, सकी भाई से बेहतरीन कौन बताएगा हमें? देखिए जिस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं इसमें दो चार चीजें हैं जो कि काबिले गौर हैं। एक तो यहाँ तो पिच बहुत फ्लैट है और बाउंड्री छोटी है, बाज़ूकत ऐसे क्रिएट कर दिया जाता है कभी माहौल जो है वो थोड़ा सा हल्ला गुल्ला एंटरटेनिंग रहे। नंबर दो बॉलिंग की क्वालिटी, वो जब घिरी हो और सब कॉन्टिनेंट में अगर आपको बहुत फ्लैट नहीं अगर बैटिंग विकेट मिलती है तो इस तरह के रिजल्ट्स आते हैं। तो आई थिंक इसमें आपने जो एहसानुल्लाह को कहा तो आई थिंक विकेट फ्लैट भी है, कुछ बाउंड्री छोटी भी लगी है, उसका कसूर नहीं है, कसूर नहीं है। उसने कई शॉट्स उसको ऐसे लगी है मारा इधर और लग इधर गई, कुछ इस तरह की है, बट आई थिंक बाउंड्री थोड़ी सी बड़ी कर देनी चाहिए, थोड़ी सी छक्के ठीक है बड़े लगे हैं, अभी हम ऑफ द ईयर भी बात कर रहे थे, बट साइकोलॉजिकल बॉलर को जब थोड़ी सी बाउंड्री मिलती है ना 70 के करीब करीब तो एक अजीब सा एज मिल जाता है, जैसे फास्ट बॉलर है वो थोड़ा सा भी नॉर्मल करता है तो उसकी गेंद में जिप और बाउंस एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो बाउंड्री कम से कम ये नहीं कि 65 वाली नहीं होनी चाहिए, बाउंड्री तकरीबन 70 तक होनी चाहिए, पिचेस जो है ना थोड़ी सी सपोर्टिव होनी चाहिए। आई थिंक 200 रन ठीक है, 262 बहुत इसलिए भी जरूरी है कि स्पिनर्स भी तो गेम में है ना, उनको भी तो मौका दे ना आप, तो 75-80 गज की रखे, जितनी अच्छी पिच उतनी बड़ी बाउंड्री। अच्छा ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अगर ये कम होती है तो क्या इसके नंबर्स में कोई फर्क पड़ता है? नहीं ऐसा नहीं है, बट ये है कि एक स्टैंडर्ड लेआउट किया गया तो वो आप देख सकते हैं ना कि ऐसी पिच के ऊपर 80 गज की बाउंड्री भी ना काफी है। और ऑस्ट्रेलिया में जब वर्ल्ड कप था, सॉरी आपकी तरफ जाने से पहले, ऑस्ट्रेलिया में जो वर्ल्ड कप था एक साइड पे तो 80 के करीब चली जाती थी, 80 से ऊपर भी चली जाती थी, वहां पे जाके फिर जो है ना होता कुछ नहीं है, कम से कम इतनी हो के लेकिन यहाँ पे अगर आपका जंगला 15 गज पीछे है फ्रॉम द बाउंड्री तो आई मीन मेक द मैच कंपेटिटिव, यानी ये सिचुएशन मैंने किसी कहीं नहीं देखी है कि एक टीम 240 रन बना रही है डिफेंडिंग कर सक रही है, दो रोज बाद एक टीम 253 रन बना रही है अपनी दूसरी इनिंग में और हार रही है, यू नो सो दिस हैज बिकम एन एनोमली। और आज बात ये रमीज टच्ड ऑन इट, मैंने भी ये नोट्स बनाए हुए थे कि यार देखो लेट्स फेस इट, विदाउट नसीम शाह विदाउट हसनैन इट्स टू डिफिकल्ट, इट इज रियली टू डिफिकल्ट, एब्सोल्युटली अनफेयर, नो डिसक्रेडिट टू उस्मान, आई मीन ही प्लेड ब्रिलियंटली। मजेदार बात ये है कि उसने पहला मैच खेला था पीएसएल का इसका और पहली बॉल पे जीरो पे आउट हुआ था, और देखो चार हफ्ते आगे उसने वहीं पे यू नो इसी में परफॉर्मेंस दे के 100 किए हैं, फास्टेस्ट 100, दिस इज क्रिकेट, वेरी राइट। तो निजाम है वो कुफर का तो चल सकता है मगर जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। शुएब शेख साहब का दिन के उजाले में अगवा जो है आजादी जारे राय पर दहशत गर्दी है, शदीद हमला है।
9 साल बाद ये एफआईआर दर्ज हुई है, जो कानून के भी मुतसादिम है कि एक शख्स के खिलाफ एक ही मुकदमे के किसी भी हिस्से के बारे में दो दफा उसका ट्रायल नहीं हो सकता। बाकी बरादरी अगर आपस में मुतहद होकर तहफ़ नहीं करेगी कि इस तरह की जो यलगार है, एक रियासती जबर है, उसको जब तक कला कमा नहीं करेगी तो फिर कल को खुद भी इसमें आएंगे। ये इसलिए हो रहा है कि वो आज़ादी अदलिया के लिए वो खड़े हैं और जो काम कर रहे थे, और आज़ादी सहाफत जो होती है वो आर्टिकल 19 प्रोटेक्ट करता है, लेकिन ये इस तरह से आवाज़ नहीं दबाई जा सकती। कोर्ट ये कहती है एफआईआर अगर डिले हो जाए तो वो एफआईआर के कोई बटन नहीं रहेगा, कोई चीज जो एलेज की है वो भी नहीं रहेगी। तो गवर्नमेंट जो है वो कोई ना कोई तरीका या हरबा इस्तेमाल करेगी अब बोल को खामोश करने के लिए और शोर को खामोश करने के लिए। जो निजाम है वो कुफर का तो चल सकता है मगर जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।